एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एनी अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइज, अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं उठ गई थी और अभी दोनों बच्चे सो ही रहे हैं। चाहत को स्कूल जाना है तो उसके लिए अभी करूँगी उसकी लंच की तैयारी। तो आज उसके लिए लंच में मैं बना रही हूँ। उसने कल रात को बोला था कि मम्मी मुझे सुबह कढ़ी देना। मैंने कहा ठीक है, आपके लिए कढ़ी बना दूँगी। तो अब उसके लिए जल्दी से कढ़ी बना लेती हूँ, फिर उसको उठाऊँगी, उसको नहलाऊँगी, उसको स्कूल भेजूँगी। और आज का जो व्लॉग होने वाला है वो यही होने वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चाहत के साथ मेरा पूरा दिन कैसे जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ब्लॉग। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर कर दे, और जो चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज का ब्लॉग। तो यहाँ पे मैंने जो कढ़ी बनाने के लिए बैटर लिया था बेसन का, जिसको मैंने लस्सी के अंदर डाल लिया था। उसके बाद सारे उसमें मसाले वगैरह अच्छे से मिक्स कर लिए थे, और साइड पे मैंने जो मुर्गो पकौड़ी बनानी थी उसका भी बैटर मैंने रेडी कर लिया था। तो ये मैं अभी हाफ फ्राई करके जो पकौड़ी बनाई थी वो निकाल ली थी, डबल फ्राई करके इनको दोबारा से डाल दिया था। उसके बाद मेरी कढ़ी हो गई थी रेडी। उसके बाद उठाया था मैंने चाहत को नहलाने के लिए, उसको फिर नहलाया, उसको कपड़े वगैरह बनाए। तब तक मैंने उसको ब्रश देख के आई, मैंने कहा आप ब्रश करो तब तक मैं आपका टिफ़िन पैक कर देती हूँ। उसके बाद किया मैंने उसका टिफ़िन पैक, फिर उसको नहला के अंदर लेके आई। तो सुबह सुबह क्या होता है ना, इसको ये इतनी नींद में रहती है बहुत ज़्यादा, बस इसका ये मन करता है कि मैं सुबह उठूँ ही ना। और ज़्यादातर क्या होता है ना, बच्चों के साथ बच्चे छुट्टी वाले दिन तो सुबह इतनी जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन जब स्कूल जाना होता है ना तो सुबह उनकी आँख ही नहीं खुलती, उनके इतने ज़्यादा नखरे हो जाते हैं। तो यहाँ मैं कर रही थी चाहत को रेडी, और उसके बाद करेंगे फिर इससे पूजा कराऊँगी। तो उसके बाद जाएगी चाहत स्कूल में, और ये मेरा चाहत के साथ पूरे दिन का डेली का यही रूटीन होता है सुबह उठते के साथ। और अभी 7:45 हो रहे थे, मैं चाहत को बोल रही थी कि बेटा आज आप लेट हो रहे हो, लेट हो गया। उसके बाद जल्दी से इसके बालों में ऑयलिंग वगैरह करके अच्छे से किया मैंने कॉम, और फिर इसकी एक चुटिया बना रही थी। और ये साथ साथ मेरे से क्वेश्चन पूछ रही थी, मम्मा आपने क्या रखा है? मैंने बोला, मैंने कहा आपके लिए कढ़ी बनाई है। तो वो बोल रही थी कि मम्मा आप इस टिफिन में रहते हो, लेकिन टिफिन मेरे से खुलता नहीं है। फिर मैं थी कोई समझाने लग रही थी यहाँ पे कि आप मैम को बोला करो कि मैम मेरा टिफिन खोल दें। तो अब जल्दी से इसको रेडी करके और फिर कराते हैं इसकी पूजा। और यहाँ पे मैंने बना ली इसकी एक चुटिया छोटी सी। Which bottle is big? Big मतलब बड़ा। Which bottle is big? Which fruit is small and big? Big. Very good. Which toy is small and big? Very good. Big मतलब बड़ा, small मतलब छोटा। और अब करें यहाँ पे चाहत से मैंने पूजा करा ली थी, क्योंकि मैं तो अभी नहाई नहीं थी। मैंने कहा आप कर लो पूजा, ये पूजा वगैरह करके मैं डेली इसको स्कूल में भेजती हूँ। तो यहाँ पे ये मत्था वगैरह देख रही थी, और जिस दिन इसको मैं टीका नहीं लगाऊंगी ना, उस दिन ये मेरे को, अगर इसको भी ध्यान नहीं रहे और मेरे भी ध्यान ना रहे, कभी कभी ऐसा होता है कि पूजा नहीं हो पाती है सुबह जल्दी से। तो इसको ये होता है कि मम्मा आज तो आपने मेरे को टीका नहीं लगाया, तो इसको इतना अच्छा लगता है अगर मैं इसको टीका लगा के स्कूल में भेजती हूँ। तो पूजा वगैरह करने के बाद यहाँ पे बस चाहत का जो शूज़ वगैरह था वो पहना दूँगी, और उसके बाद ये थोड़ी सी देर खेली थी बाहर जाके डिबू के साथ। उसके बाद इसका टाइम हो गया था स्कूल जाने का, तो फिर ये जरूरी थी स्कूल में। और पूरा जो ये है मैं व्लॉग वगैरह पूरे दिन का तो मैं नहीं बना पाई, तो जितना भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। शूज़ वगैरह पहनाने के बाद मैंने चाहत के लिए बना दिया था इसका फेवरेट शेक, जो कि है बनाना शेक। इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, ये खुद बोल के बनाती है मम्मी मेरे लिए बनाना शेक बना दो। तो इसके लिए मैंने बना दिया था यहाँ पर बनाना शेक, ये पी के ये चली गई थी स्कूल में। और इसको आज मैं ही छोड़ के आई थी स्कूल में, क्योंकि इसका था कि मम्मा आज आप छोड़ के आओ। मैंने कहा ठीक है चलो आज मैं छोड़ के आ जाती हूँ। तो अब चलते हैं रात को स्कूल छोड़ने, और यहाँ पे करी हैं दोनों बहनें या जाने से पहले स्कूल में। क्या कैसे बताया था, क्या बोला था पहले मैम ने, ये बताऊं? कैसे कैसे करके, अभी आपने कैसे किया था वो नीचे करके कैसे किया था? ऐसे इसलिए मैंने कर लिया भी करना है और कूदना भी है। ओके। और
बार डालना है इसको। ओके वेरी गुड, अच्छी अच्छी बात बताई है मैम ने तो। हाँ अब आप डेली करोगे ऐसे? हाँ। क्लास में, क्लास में एंटर करने से पहले ऐसे करके? छुट्टी तो आज तो संडे है ना चाहे? हाँ, कल संडे है। आज संडे बेटा, ओरल में क्या कराया था? ओरल में कुछ भी नहीं, बस काउंटिंग कराया। काउंटिंग कराई थी? आप बोल के बताना कैसे कराई थी मैम ने? एबीसीडी क्या? एबीसीडी भी? और अच्छा एक बार वो सुना दो ना, क्या आप ऐसे सुनाते हो ना, ऐसे अनार आज से आम, वो फिर सॉन्ग में गाते हो ना जो, वो सुनाना एक बार। अनार बड़े से आम, छोटे से इमली, बड़े से एक, हम डाल देते तनाशी, ऊंचे उल्लू, बड़े से उल्लू, बड़े से दीची, करते काम किसी का नाम। वो सुनाना मुझे। सुना दो ना एक बार फ्रूट्स नेम चाहत। और बाप रे, अरे बाप थैंक यू। तो आज मैं चाहत को खाने में दे रही हूँ शाम को। आज मैंने छोले की सब्जी बनाई थी तो चाहत कह रही थी मम्मी आप मेरे लिए पूरी बना देना। मैंने कहा ठीक है आपके लिए पूरी बना देंगे। तो आज मैंने इसके लिए ना इसका एक टोरी था फिश वाला और ये ऐसे थे, तो मैंने सोचा कि इसके लिए अच्छा सा इसको सरप्राइज़ देते हैं। तो मैंने वो उसी जो इसका टोरी था उसी से कट करके जो थी फिश के शेप की पूरी बनाई थी। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा आइज़ बंद करो आपको एक सरप्राइज़ देते हूँ। उसके बाद ये कह रही मम्मा जल्दी से दो, तो मैंने बोला मैंने कहा आप बताना कि आपको कैसा लगा। तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बच्चों को ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ बना के देते हैं तो ना उनका पेट भी भर जाता है और वो खा भी लेते हैं अच्छे से। तो इसलिए मैंने चाहत को दी थी फ़िश वाली जो ये मैंने पूरी बनाई थी ये दी। इसके बाद मैंने इसको सेकेंड पूरी दी थी जो कि मैंने अलग शेप की दी थी और इसने दोनों पूरी अपनी जो थी फिनिश कर ली थी। तो बच्चों के ऐसे अलग अलग उसमें बना के देना तो उनका पेट भी भर जाता है जल्दी से और वो खाना फिनिश भी कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने चाहत को दही भी दी थी क्योंकि बिना दही के खाना खाती नहीं है, दही हो या लस्सी हो इसको चाहिए ही चाहिए। और ये हमेशा खाने से पहले ऐसे हाथ जोड़ते हैं क्योंकि ये बोलते हैं कि मम्मा मैंने मेरे को बताया स्कूल में ऐसे खाते हैं। मैंने कहा बहुत ज़्यादा अच्छी बात है अगर आप ऐसे खाते हो। तो मेरे को चाहत की ये वाली हैबिट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उसके बाद मैंने चाहत के लिए बना दी थी इस शेप की पूरी जो कि थी ये थोड़ी सी मेरे को अच्छी नहीं लगी थी जब मैंने बनाई थी कि फिश वाली बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो ये वाली भी चाहत ने अपनी पूरी फिनिश कर ली थी और इसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि और अब तो इसका डेली का होता है कि मम्मा कल भी स्कूल में भी मेरे को ना फिश वाली पूरी देना, मम्मी स्कूल में मेरे को फिश वाली रोटी देना ऐसे बोलती रहती। तो आप लोग भी ना बच्चों को ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप की रोटी वगैरह पूरी वगैरह बना के दे, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है बच्चों को।